सिद्धार्थनगर जिले में उत्तर प्रदेश BNNCC बस्ती का 161वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में डॉक्टर विनय शुक्ल, डॉक्टर अनीता सुश्री दर्शिका शुक्ला एवं जिला अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज की टीम ने 47 यूपी BNNCC बस्ती का 161वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में 12 बजे तक कुल 28 कैडेट ने ब्लड डोनेट किया। कुल 57 कैडेट द्वारा ब्लड डोनेट किया जाना है। मीडिया से बात करते हुए अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार रंजन ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रतन सेन इंटर कॉलेज में 28 दिसंबर को किया गया और कल कैंप का आखिरी दिन होगा। यहाँ पर जो प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया गया है, आज के दिन हमने प्रयास किया कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाए, जिसके लिए हमने अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा था। और हमारे यहाँ पर दो वैन आई हुई है, एक बस्ती से भी वैन आई है सहयोग के लिए और हमारे यहाँ जिला अस्पताल से भी आई है। और अभी तक टोटल 28 बच्चों ने ब्लड डोनेट किया है और हमने लक्ष्य रखा है 57 का। प्रयास करेंगे 57 बच्चे टोटल ब्लड डोनेट। क्या ब्लड ही डोनेट किया जा रहा है या बच्चों को अन्य सुविधा भी, स्वास्थ्य की कोई दवा वितरण या कुछ? कैंप में लगातार हमारी टीम आगे रोज डेली बच्चों को प्रशिक्षण भी दे रही है इसके लिए और इन लोग का मेडिकल चेकअप भी कर रही है और इनको दवाएं भी दे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।